साहब साहब मैं रहमतुल्लाह आप हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों खान सर की वीडियो है तो टाइटल है ईरान इसराइल वार बिग अपडेट लाइव। मतलब ये खान सर का क्या मौकफ है ईरान इसराइल के मामले पर और फिलिस्तीन के मामले पर, देखते हैं दोस्तों वीडियो की बात करते हैं। कहा कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक तुम मछली उछली पकड़ना, घुस के पाकिस्तान में 20-25 को शहर उड़ा दे, आपको लगता है कि चुनाव में हारेगा? ये सारी लड़ाई हो रही है चुनाव जीतने की, पर्दे के पीछे देखिए बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, अभी नहीं पता चलेगा। कोई लड़ाई जमीन उमीन की नहीं है, इलेक्शन है अगले साल। अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि यूएस में सबसे अमीर अमीर लोग जो है वो ज्यूज हैं। अभी वर्तमान में फिलिस्तीन को तो देश का मान्यता नहीं दिया। अब देखिए अंग्रेज नियम कानून से कैसे मारते हैं सर। ये गाजा है, कहा कि यहां से 100 किलोमीटर दूर तक तुम मछली उछली पकड़ना, बाद में इसको घटा के कहा कि नहीं तुम 85 किलोमीटर तक मछली उछली पकड़ सकते हो, समझा गया? 10 साल बाद कहा नहीं तुम 20 किलोमीटर तक मछली उछली पकड़ सकते हो, 2023 में बोला था कि तुम 2 किलोमीटर जा सकते हो। बमक के मार दिया 17 अक्टूबर को मिसाइल, 7 अक्टूबर को तो लोग कह रहे 7 अक्टूबर को मारा, 7 अक्टूबर को मारा। इन बकलोलन को नहीं बुझा रहा है कि हमारा ही चल गया, वो तो जानबूझ के तुमको कोचता है कि तुम मारो हमारे 2-3 आदमी को, 100 आदमी को, हम मारेंगे तुम्हारा पूरा आदमी को, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, पूर्ण बहुमत से आएंगे। भारत का कोई प्रधानमंत्री घुस के पाकिस्तान में 20-25 को शहर उड़ा दे, आपको लगता है कि वो चुनाव में हारेगा? ये सारी लड़ाई हो रही है चुनाव जीतने के लिए, नहीं समझे? पर्दे के पीछे देखिए बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, अभी नहीं पता चले। कोई लड़ाई जमीन उमीन की नहीं है, इलेक्शन है अगले साल, हो गया। अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि यूएस में सबसे अमीर अमीर लोग जो है वो ज्यूज हैं। यूएस में जितने अमीर लोग हैं वो ज्यूज हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या ज्यूज की वोटरों की है। अब चुनाव में पैसे बहुत लगते हैं, देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250-250 करोड़ रुपया चंदा दे रही है सर, कमाई कितना होगी सोचिए, आप सोचिए कितना गाय काटा होगा, कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया सभी से, आप सोचिए एक एक गाय जो लोग बढ़िया गाय तो 20-25 हजार में मिल जाती है जी, जो दूध देने वाली गाय होती है 20-25 हजार में गांव में मिल जाती है। जिस गाय को काटता होगा तो बूढ़ होगी, बीमार होगी, उसको खूब से खूब बेचता होगा कितना में, 20-25 मान के चलिए बढ़िया गाय सफल 20-25, कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा, तब ना उतना चंदा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, तो अमेरिका ये समझ में आ गया, तो अमेरिका क्यों इतना साथ दे रहा है? अमेरिका में ये इलेक्शन है लेकिन जो बाइडेन हार जाएंगे, हाँ पक्का हार जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, अब की उठ रहे हैं वही ना, वही उठेंगे आप फिक्स होते रहता है, इसे पता चल, हमारा कौन सी पता, जिसे सर्वे होता है वहां पे भी होता है सर्वे, हम लोग भी पूछ पाछ लेते हैं क्या हाल है सर्वे में, कहा कि यही सब चल रहा है जो बाइडेन का, यहाँ पे विदेश नीति की वजह से गड़बड़ हो जाएंगे, हारेंगे जो बाइडेन, आएंगे फिर कौन, ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार मोदी जी ट्रंप के ना प्रचार में कहते हैं हार गया बेचारा अब की ना जाएंगे ही, जो बाइडेन इसीलिए गुस्सा रहता आधा क्या बन करके दिखता है, ये प्रचार में आया था। इराक, इराक में यहाँ पे अभी इराक में कब्जा हो गया, ISIS वाले हो गए सब, पूरा तहस नहस खंडहर हो गया, 20 लाख से ज्यादा मारा गए लोग वहां, हजार नहीं लाख, 20 लाख से ज्यादा लोग मराए हैं लोग यहाँ पे, और उसका शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा ले गया नहीं समझ आया, शांति का नोबेल लेके कौन गया, ये तो बहुत गजब हो गया, तब तो बात वही हो गया कि कंस मामा को न्याय का देवता बना दू, तो वैसे ही हो गया ना भाई, इतना लोग मरा रहे हैं शांति का क्या ले जा रहा है नोबेल, अब भाई खुद ही पुरस्कार देना है तो क्या जा रहा है, किसी दिन कुकुर बिलार को दे देगा सब,
आगे बढ़े तो ये जगह कौन सा हो गया, ये राज्य है, ये देश हो गया इराक। अब इराक में ना ऊपर का ये एरिया कुर्द कहलाता है, क्या कहलाता है, कुर्द। अब कुर्दों का कहना है कि देखो ना हम सिया में रहेंगे ना सुन्नी में रहेंगे, हमको कुर्द कर दो। तो कुर्द करते हैं ऐसा ना कि हम थोड़ा सा एरिया इराक से निकाल लेंगे। इराक कहता है तुम्हारे बाप का देश है वो कहता है थोड़ा सा एरिया हम सीरिया से काट लेंगे, कहता है हमसे काटेगा नहीं। तो सीरिया वाला बम मारता है किस पे, कुर्द पे। तो कुर्द वाला किस पे मारता है, सीरिया पे। इराक वाला भी बम मारता है कुर्द पे, आई मारता है सब धड़ाधड़ मार रहा है सब धन। तो कुर्द वाला कहता है तो थोड़ा सा तुर्की से भी ले लेते हैं, तुर्की कह रहा है चट्टा कहीं का, हमसे क्यों मांग रहा है आप। अब देख रहे हैं क्या लैंड डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, हम लोग को क्या मतलब है, लड़ो भैया तुम लोग यहाँ पे गजब। यहाँ पे मिडिल ईस्ट पूरा बवाल का कारण बना हुआ है क्या जी, मिडिल ईस्ट। यहाँ इन लोग के पास बस एक चीज, इन लोग के साथ प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है, तेल निकल गया है, नहीं तो यकीन मानिए अमेरिका इनका तेल निकाल देता। जिस दिन तेल खत्म होगा इनका तेल निकालेगा। सद्दाम हुसैन को पहुंचा दिया, मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पे घींच के मार दिया सब, सद्दाम हुसैन को सबके सामने फांसी दे दिया, लेके आया सद्दाम हुसैन को कौन, अमेरिका को, अमेरिका लाया, जज को दिया अमेरिका, फांसी दे दिया था अमेरिका, आजरा का टांग दिया कौन, अमेरिका। खर हम कहाँ टांगे, उसी का कोर्ट था, उसी का जज था, हम तो सेफ्टी के लिए ध्यान रखे थे कि सद्दाम हुसैन को कुछ हो ना जाए। यही करते हैं सब बाबू, आप समझिए पूरी, अभी हमास इजराइल में लड़ाई हो रहा है, सारा हथियार कौन दे रहा है, अमेरिका। जान के ताजुब होगा जो जो नीचे मरा रहे हैं सब गाजा वाले, उनको खाना भी कौन दे रहा है, बम कौन मार रहा है, और खाना कौन दे रहा है। एक दो को जहाज जाती है अमेरिका से, एको में हथियार लोड होता है वो किसको दे देती है, इजराइल को, एको में ब्रेड टोस्ट ये सब जो जो तो खाना पीना आटा चावल वो किसको देता है, गाजा को, तो खा के मरो भूखे नहीं मरना। गाजा वालों को पता है करेगा सब क्या, गाजा वालों की एक ही गलती थी, पूरे फिलिस्तीनियों की एक गलती थी कि उन्होंने उनको लगा कि सऊदी अरब उनका साथ देगा, ये सबसे बड़ी गलती। और ये जीवन में आप लोग को वो गलती मत कीजिएगा जो फिलिस्तीन वालों ने किया था, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे, किसी के चढ़ैला पे लड़ेंगे ना तो मरवा के भाग जाएगा। तो इनकी एक ही गलती है, लड़ाई लड़ा दिया भाग गए सब। आ रहा है क्या इराक, कोई आया बचाने, सऊदी अरब आया, कोई नहीं जाएगा बचाने, यहाँ पे अपने लड़िए नहीं पाएगा। सद्दाम हुसैन एक बार हमला किया था तो सब फौजी भाग गया था हज करने, एक बार लड़ाई हुआ था ना तो सद्दाम, छोटा मोटा नहीं डिस्प्यूट होता रहता, सद्दाम हुसैन मारा हमला कर यहाँ पे, तो यहाँ के फौजी सब गाड़ी उड़ी छोड़ दिया, हज करने भाग गया। सर यार यहाँ तो नहीं ना मारेगा वो भी इसलिए कि यहाँ तो कम से कम नहीं मारेगा, हज करना उद्देश्य नहीं था, अरे भैया एटलीस्ट यहाँ तो बम गिराएगा, भाग गया था सब वहां पे। भाई यही गलती थी, तो वो गलती आप लोग को जीवन में नहीं करना, चाहे लड़ाई पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो, या समाज से हो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कभी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। अपनी क्षमता रहेगी, अगर क्षमता कम है तो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, उस समय बाद आप रिटेलिएट कीजिएगा, जब क्षमता हो जाए तब लड़िएगा। नहीं समझ में आया, जब हो जाए क्षमता तो लड़िएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा देर क्या कर लीजिएगा, शांत रह लीजिएगा, किसी को दिक्कत। हम छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलते हैं जी, शांति प्रिय हम आइए नहीं है। कुछ लोग आदर्शवादी होते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, हम वो वाले आदमी नहीं है, यथार्थवादी हैं, कुछ गलत भी हो रहना चाहिए। आखिर उसका आविष्कार क्यों हुआ, गलत आदमी के साथ गलत होना चाहिए, अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या बंद हो गया क्या जी, अब इधर इराक समझ में आ गया, इराक और कुवैत के बीच लड़ाई हुई, इराक की राजधानी, इराक के ऊपर के एरिया कुर्द, इराक के ऊपर के एरिया कुर्द, उद्देश्य मांग रहा है सपना, वो कह रहा है हम नहीं देंगे आप, ये देश बोलिए हाँ, ईरान, ईरान का पुराना नाम फारस, ईरान का पुराना नाम फारस, यहाँ पारसी लोग रहते थे, इनकी भाषा थी फारसी, पारसी थे, भाषा क्या थी, अरब वाला सब मारा, सब धोके रद्द कर दिया, सब पारसी भाग गया सब यहाँ से, समझा। अरे अरब वाला तो इस सबको कचरते हुए ना आगे बढ़ा था सब, मोहम्मद बिन कासिम गजनबी गौरी, वो तो यहाँ बाद में पहुंचा सब, पहले तो यही कचराया सब पूरा यहाँ से,
कचरा उचरा के सब बेचा, तब यहाँ पहुंचा सर। यहाँ पारसी सबको मारा नाश दिया सर, तो यहाँ से बहुत सारे पारसी वापस भारत आए लोग। कहाँ आए लोग? भारत, गुजरात में आके बसे लोग। यहाँ पारसी लोग में देखिएगा ना, बहुत सारे पारसी लोग शादी भी यहाँ नहीं करते। जैसे ब्रह्मचर्य नियम है ना जैन धर्म में, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। पारसी धर्म में बहुत सारे लोग शादी भी नहीं करते। और ये पारसी ना बहुत ज्यादा व्यापारी होते हैं, व्यापार इनके नस नस में भरा होता है, बड़े व्यापारी होते हैं। और किसी से ज्यादा मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से नहीं, शांति से व्यापार करेंगे। और व्यापार जब भी करेंगे कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर उनका पारसियों से व्यापार कीजिएगा ना, अगर उनका सामान लाए 10 गो, उसके दुकान में वो खराब हो गया ना, तो उसको फेंक देगा, बेचेगा नहीं। हम लोग अगर आलू लेके बैठेंगे, 2 आलू सरल निकल गया ना, तो सोचेंगे उन्हें देख रहे हैं आटा देही में, देखिएगा ना। और वो बाला जानते हैं क्या, अगर 5 गो अलुआ सरल रहेगा तो नहीं कहेगा कि 1 गो करके 5 गो ग्राहक में आटा है, 1 गो में 5 डाल देगा, घर ले गरियाएगा वो। वो लोग बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। और वो लोग सबसे ज्यादा दान देते हैं सिख और पारसी। अगर दुनिया में ये फैल जाए ना, तो दुनिया से गरीबी और भुखमरी मर जाएगी, मिट जाएगी एकदम। ये जहां फैल जाए, रतन टाटा नाम सुने, उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया, मतलब जो समाज की भलाई करेगा। तो लोगों ने कहा कि ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ आएगा, तो उन्होंने ना अपनी कंपनी, जितनी कंपनी है उस सारी कंपनी में से कुछ हिस्सेदारी दे दिया ट्रस्ट को। कहा कि कंपनी को जितना फायदा होगा उसमें से सब पैसा किस में जाएगा, ट्रस्ट को जाएगा। मालिक को जाए अलग है, सैलरी जाए अलग है, उसी तरह ट्रस्ट क्या करेगा, पैसा उठाएगा लीगली। अब वो चाह के भी नहीं छीन सकते उनसे। और उस ट्रस्ट से चलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज भी एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज से नहीं चल रहा है, जेआरडी टाटा के समय से चल रहा है। ये जमशेदपुर शहर बसा दिया उन्हीं लोगों ने। तो बड़ा ज्यादा वो लोग होते हैं पारसी लोग। तो कहाँ आके बस गए सब, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आके बसे थे लोग पारसी। पारसी में भी देखेंगे ना, तो भारत में दो, एक रतन टाटा देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत सारे पारसी हैं। साइरस मिस्त्री पारसी हैं। और हीरो में भी देखेंगे बहुत सारे हैं लोग पारसी लोग। एक मूवी बनी थी सैम बहादुर, सैम हारमोस जी, प्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह, ये कौन थे? पारसी। समझा गया? जब देश का पारसियों का जो नाम होता है ना, मुसलमानों से मैच करते रहेगा, जैसे जमशेद जी टाटा। समझा गया कि नहीं? इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी की, फिरोज गांधी, तो नाम जुड़ेगा किससे? मुसलमानों के टाइप का नाम जुड़ेगा। आप तो उनको घोषित कर दिया फिरोज खान। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से नहीं हुई थी जी, फिरोज गांधी जो पारसी थे वो। वो इसलिए कह देता है ना कि वोट काटने में इजी रहेगा। ना ना, गलत बता दिए थे, पारसी थे वो, पारसी। ऐसे वोट काटने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्योंकि भारत में ना मुस्लिम माइनॉरिटी में मुस्लिम है ना, जो विरोध करने की उनके पास, क्योंकि माइनॉरिटी में उनकी संख्या ज्यादा है, अगर वो कोई आवाज उठाएंगे तो आवाज सुनाई देगा। अभी भारत में पारसी लोग कुछ आवाज उठाएंगे, बहुत कम संख्या है। समझा गया? जैन लोग की संख्या कम ही है, लेकिन जैन पढ़े लिखे हैं, वो अपना बात अपने मना लेते हैं, आवाज उठाने की जरूरत नहीं उन्हें, बहुत पढ़े लिखे हैं जैन। समझा गया? बहुत ही टॉप लेवल पे हैं लोग जैन लोग। सिख लोग को, सिख लोग को बोलिएगा दिल्ली हिला दिया था लोग, उन लोग को भी अपनी क्षमता है कि नहीं। ये होता है कि तो ऐसे आवाज होते हैं ऐसा, तो फिर उनका नाम मिल, जैसे दादा भाई नौरोजी पारसी थे। हाँ, फिरोज गांधी हाँ, वहाँ पे ज्यादा दिन जिंदा नहीं न थे उनकी, मतलब फिर इंदिरा गांधी उनमें पता नहीं डिस्प्यूट भी बहुत। अब कोई प्रधानमंत्री रहेगा तो फैमिली को टाइम दे पाएगा, इसलिए मोदी जी पहले ही साइड कर दिए थे। टाइम कहाँ आ रहा था? योगी जी कहें कि हमारा ये सबसे मतलब ही नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ वाले लोग वैसे भी शादी। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। दोस्तों खुद मान लिया आपने, खान से की बातें गौर से सुनी आप लोगों ने, कि जो गजा पट्टी है ना, उससे पहले 100 किलोमीटर के एरिया जितना बता रहे थे उनको दिया हुआ था समंदर की साइड से, यहाँ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कटा काम करते 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 आप 1 किलोमीटर, मतलब ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनको आस्ता आस्ता डिस्क्लोज किया गया, उनके एरियाज को उनको कम किया गया। फिर वो हम पंजाबी बोलते हैं शतान पुना,
आपको नहीं समझ स्टाम्पना। स्टाम्पना का मतलब यह है कि किसी को छेड़ने के लिए, तंग करने के लिए कुछ छोटी सी ने उसके साथ हरकत की जाती है, फिर उसका बदला लेने के लिए फिर उसके साथ बड़ा एक जंग को जल्द किया जाता है। इसराइल भी ऐसे स्टाम्पना करता है, पंजाबी का लफज है शायद समझ कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी में। स्तान बंदे हैं, स्तान लोग हैं, और स्तान पर अल्लाह की लानत है, और स्तान इतना करते हैं, करते क्या हैं ये अब खुद लोग सर की बातें मैं, सॉरी खान सर की बातें मैं, हम अपनी तरफ वो खुद कह रहे हैं कि ये जो हमास को उकसाया, हमला करवाया, फिर हमास पर अटैक किया, क्या वजह पीछे क्या है? इलेक्शन, यूएसए में भी इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि यूएसए की सबसे ज़्यादा आबादी ज्यूज है, और ज्यूज ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शन में, पूरी स्टोरी समझ आ गई। अब ये हम नहीं कह रहे, अगर हम कहते ना ओहो ये तो पक्ष नहीं है, झूठ बोल रहे, आपके मेंटोर खान सर बोल रहे नहीं यकीन आता तो वीडियो को बैक करके फिर से जूस यूएसए में ज्यादा है, पैसे वाले हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उसके हिसाब से चलता है अमेरिका, अमेरिका फिर जैसा फिर इसराइल कहता है वैसा होता है, इसराइल टूई लगा देता है, स्टाम्पना कर देता है फिलिस्तीनियों के साथ, कभी किसी दूसरे को, फिर उस पर आक्रमण जानबूझ करता, फिर जमा बांग्लादेश, और ऐसे ही शुरू से करते आ रहे हैं, ये जमीन आस्ता आस्ता निकल रहा है, मतलब जालम है। श्रीलंका के 3 सोल्जर जो यूएनओ के तहत लेबनान में थे, उनको इन कुत्तों ने, इसराइली आर्मी ने वहां पर मार दिया। अब थोड़ा सा कह लें कि इनका जो दायरा है, जो शिकंजा, वो तंग होने वाला है इसराइल के लिए, यूएनओ के तहत। मुझे तो नहीं लगता कि होगा, मुझे नहीं लगता। बात क्या है, हिंदुस्तान के हिंदू बड़ा मोहब्बत करते हैं इसराइल से, अगर झूठे की मदद झूठे ही करता है, झूठे के साथ जुड़े, पता भी है। अब ये खान सर भी मान रहे हैं, लोग सर भी मानते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, प्रशांत की वीडियो देखी है, वो भी मानता है, आपके स्टडी आई के एक और सारा है जो आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करवाते हैं, अंकित क्या के नाम है, वो भी मानते हैं कि इसराइल कब्जा कर रहा है, इसराइल कब्जा माफिया, इसराइल जानबूझ के ऐसा कर रहा है। खान साहब ने इस वीडियो में फिर माना कि जानबूझ के करता है, यूएसए में इलेक्शन है, इसराइल में इलेक्शन है, और तंग करता है उनको, फिर वो अटैक करते हैं उन पर, फिर बड़ा अटैक करके जमीन करता है। अब गजा पट्टी साफ होगी, सारा का गजा पट्टी शामिल हो जाएगी इसराइल में, फिर वेस्ट बैंक की तरफ जाएंगे, उधर लिबनान की तरफ बढ़, और ये ग्रेटर इसराइल बढ़ना है। अब जो लिबनान है उसने अपनी आर्मी डिप्लॉय की है ना, जहां जाए तक वो उनको हमास को या लिबनानियों को मारता जाएगा, हिज़्बुल्लाह जो लिबनानियों को भी मारेगा, जो इलाका वो साफ कर लेगा वो इसराइल में शामिल कर लेगा, कब्जा करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह इराक और आधे से ज्यादा सऊदी अरेबिया भी इसने कब्जाना है, जॉर्डन भी, सीरिया भी। ये मैप है हमारे पास, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया। वैसे तुम गधे कहते थे ना कि तुम 14 साल पीछे चल रहे हो, तो वो 14 साल पहले का नॉलेज देख लो, और आज सच हो रहा है, सच हो रहा है, देख रहे हैं बेशक, और यकीन पुख्ते हो जा रहे हैं कि हमने लड़ना है इनसे, अभी बिल्कुल याद होना है, जिंदा रहे तो जरूर इंशाल्लाह करेंगे, अभी टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, और बस सब्र रखें। मेरा ख्याल है गेम बहुत क्लोज आ गई है, और ज्यादा से ज्यादा 40-50 ईरान को भी अल्लाह ने एक न्यूक्लियर पावर बना था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि बन जाए, गेम बहुत करीब है, ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल है, इसके बाद इसराइल भी नहीं रहेगा, यूएसए भी नहीं रहेगा, पता नहीं होगा क्या इनके साथ, ये देखते हैं ना, ये जो ताकतें बनी फिरती ना, ये रूई के गालों की तरह उड़ेंगे, उनको समझ लगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यार जो कह लेना कि इस पे अब हमें बहुत ज्यादा, मुझे तो खुशी दिल से होती है कि यार जल्दी ये मुद्दा, हम तो बल्कि दुआ, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई फरमाई है, कि जो कौन सा एरिया हदीस में नाम आया है, क्या मतलब कुछ रेजेंट, तो फिर मैं मतलब यहाँ से उठेगी फौजें, वो खुरासान की जो जमात उठेगी लड़ने के, उसमें 80% एरिया अफगानिस्तान का, मैं कहता था अफगानिस्तान वाले ही असली मुसलमान, मैंने अगले दिन मैप सुना है डॉक्टर इसरार अहमद से, खुरासान का एरिया हमारे बलाई इलाके जिसमें मालाकांड डिवीजन ये है ठीक हो गया, उसके बाद तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान का एरिया, कम अज कम 80-90% अफगानिस्तान, ईरान के एरिया, ये वाला एरिया जो सारा है ना, बलूचिस्तान भी हमारा शामिल है, ये वाले सारे एरिया खुरासान के अंदर आते हैं, यहाँ से फौजें उठेंगी, कहाँ जाएंगी, ये लड़ेंगी जाकर इसराइल से, यहूद से इनकी जंग होनी है, और मेरी दुआ है अल्लाह करे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस जंग में शामिल होगा वो सारे बख्शे होंगे।
नहीं मतलब उसको एक खुशखबरी होगी, वो खुशखबरी जन्नत में जन्नत की होगी, जो शामिल होगा वो जन्नती होगा, क्योंकि हक और सच की लड़ाई होगी। और देख ले आज तक जो वर्ल्ड वार बंद हुई है वो चेक कर ले, वो भी एक दुनियावी गर्ज के लिए हुई है, उसमें कोई पर्पज दीनी नहीं था। दूसरी वर्ल्ड वार हुई उसमें भी कोई किसी मुल्क का भी दीनी पर्पज, जस्ट लैंड माफिया। अब ये जो जंग हो रही है ना तीसरी वर्ल्ड वार, लिख लेना ये अब कुफर और हक की जंग है, ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमान इकट्ठे होकर सारे लगे हैं। ये देखते जाना अभी होता गया, इकट्ठे हो रहे हैं ना, ब्लॉक बन रहे हैं, देख लेना जो हो गया। इसलिए मैं आप सब से कहता हूँ कि आप भी दारा इस्लाम में आ जाएं और मुसलमान हो जाएं। आगे चलते हैं, एक बड़ी अच्छी बात की खान साहब ने आने पर, और मुझे वो बंदे भी बड़े पसंद थे दुनिया के लिहाज से, दुनियावी कामों के लिहाज से, इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया के इंसानियत के लिए बड़ी भलाई की काम की। टाटा, रतन टाटा साहब, उन बंदे को भी सल्यूट है, उन्होंने दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की। एशिया का खान साहब बता रहे, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल टाटा ने बनवाया था, और टाटा के बारे में मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई इतनी खास बायोग्राफी की नहीं पढ़ी खुद, लेकिन एक दो वीडियो मैंने देखी थी, उनमें किसी इंडियन यूट्यूबर शायद को बता रहा था कि भाई उनकी शादी नहीं हुई, उनके पास अपनी औलाद नहीं है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने नहीं इस पर अभी सर्च नहीं की, आप नीचे कमेंट में बताना। चले हुई या नहीं, लेकिन बंदा नाइस बंदा था, गुड बंदा था यार, उसने बड़े बड़े अनाथ लोगों के, गरीबों के लिए बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। भाई जो बंदा अच्छा हो उसको उसकी अच्छाई को याद रखना चाहिए, उसकी भलाई को याद रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए आखिर तक दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पाबंदी है कि वो नॉन मुस्लिम था, हम नॉन मुस्लिम के लिए दुआ नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि हर एक चीज की लिमिट होती है, हमारी लिमिट यहाँ तक थी कि उसने दुनियावी लिहाज से इंसानों के लिए अच्छे काम किए, भलाई के काम किए, वेल एंड, और वो एक अच्छा इंसान था दुनियावी लिहाज से। आगे अब उसका और उसके रब का मामला है, वो आप ही पता उसको चल गया होगा कि उसने क्या किया जिंदगी में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना, और एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना, इस पर उसको खराज तहसीन है, उसने इंसानियत की मदद की, ये चीज़ है। तो बाकी आगे खान सर को अच्छी तरह से, अगर आपको नहीं पता लगा दोबारा वीडियो चला रहे हैं यार, आप भी बड़ा मेंटोर है खान सर, खैर मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ, गॉड ब्लेस यू।